नाम पटेल नितिन कुमार महेंद्र भाई है, गांव वलियमपुरा है, तालुको तलोद, जिलो साबरकांठा, राज्य गुजरात। मैंने 20 साल से मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। उसमें पहले मेरे पास महिंद्रा का था 475, और अब उसको बदल के मैंने 1035 लिया था जो 39 HP में। उसके बाद मैंने ये 1035-40 HP रेंज वाला ट्रैक्टर मैंने लिया है। अभी वो जो मैंने 1035 पुराना चलाया था वो भी मेरे को बढ़िया लगा, तो मैंने इसका एक हॉर्स पावर ज़्यादा था इसीलिए मैंने इसको चूज किया है। अब इसकी फीचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक तो बम्फर 63 किलो का है, क्योंकि बहुत बढ़िया बम्फर दिया है कंपनी वालों ने, जिससे क्या है कि इसके पूरे बोनेट की वो सब की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और वो बहुत अच्छी तरह से मिलती है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो एक्सल है वो बहुत सीधी दी है, और फिर उसके पीछे ही उन लोगों ने पावर स्टेयरिंग का पंप दिया हुआ है, जिससे क्या है कि ये इसके घिसाव बहुत कम रहेगा, क्योंकि सामने से जो हम एरंडे या कपास के वो सब की मार इस पर नहीं लगेगी, वो सीधे ये एक्सल पे ही लगेगी, तो जिसके कारण ये चलेगा बहुत अच्छा बढ़िया तरह से। फिर इंजन के बारे में तो आप सबको पता है कि वो मैसी का इंजन कितना बढ़िया आता है। फिर दूसरी बात इसके ब्रेक के बारे में हम लोग आते हैं, तो इसका ब्रेक जो है वो पहले पीछे लगता था, लेकिन कंपनी ने चेंज करके इसको सामने दिया, जिससे हम ब्रेक आसानी से हम लगा सकते हैं। और रेस जो कि यहाँ था ऊपर था, तो जिससे घुटन में थोड़ा सा दर्द रहता था, ये इसमें नहीं रहेगा, ये सीधा ही अपना पैर रहेगा। फिर हम आते हैं इसकी सीट के बारे में, तो इसकी सीट बहुत इतनी कंफर्टेबल है कि जिसके कारण से कमर का जो दर्द होता है वो बहुत कम होता है, मानो कि आप 5 घंटे 6 घंटे आराम से इस पर चला सकते हो, हाथ को नहीं दुखेंगे अपने, लेकिन इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है मानो जैसे हम कार चला रहे हो, ऐसा अनुभव होगा। फिर इसकी जो क्लच है ये ड्यूअल क्लच है, जिसके कारण हमें ट्रैक्टर खड़ा रख सकते हैं लेकिन फिर भी वो लॉटरी में चल सकता है पीछे, तो इसके बहुत एक अच्छा फ़ायदा उसका ड्यूअल क्लच का है। फिर जो इसके टायर है वो 13/6/28 के टायर है, जो कि बड़े हैं, जिसके कारण क्या है कि टाइम की बचत होती है और डीजल भी बहुत कम लगता है। फिर हम आते हैं पीछे, तो इसमें पीछे क्या है कि पीछे की एक्सल कंपनी ने बढ़ा दी है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल ब्रेक कर दिए जिसमें आप जहाँ चाहो वहाँ उसको रुकवा सकते हो। और फिर एक ये मॉडल कंपनी वालों ने जो बनाया, जो पुराना 1035 था और जो अभी कंपनी ने लॉन्च किया है नया 1035-40 HP का ट्रैक्टर, ये इसकी एक बहुत बात बढ़िया लगी क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा ट्रैक्टर है, मानो कि आप पहले वाले ट्रैक्टर में जैसे बैठते थे तो आप बहुत नीचे लगते, इसमें आप बहुत ही टाइट लगोगे। और तो मैं आपको क्या बताऊं, और एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी हाइड्रोलिक बहुत ही बढ़िया होती है, जिसमें आपको पैरने में गनो या खेड़े में गनो किसी भी चीज़ में इसकी हाइड्रोलिक की क्षमता और इसकी खिंचाई और सब बढ़िया तरीक़े से बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने ये ट्रैक्टर हाइड्रोलिक को देख के ही मैंने लिया है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिक क्षमता बहुत बढ़िया होती है, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम या खर्च बिल्कुल भी नहीं आता। और मैंने ये सब कुछ देखते हुए मैं पुराना ट्रैक्टर से चला ही रहा था 1035, और ये मुझे बढ़िया लगा, इसलिए मैंने 1035 DI 40 HP रेंज का नया ट्रैक्टर मैंने खरीद लिया है, जिसे मैंने 7 महीने हो गए लेकिन मेरे को अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। ये जो मेरे पास जो माहिती थी वो मैंने आप सबको दे दी, ये बदल, धन्यवाद।